यहाँ पर है ना, मोदी जी ने बहुत ही तगड़ा मिशन को दिया है। तो भाई इतनी तगड़ी एंट्री के साथ ट्रेवर ने मारी है एंट्री। और भाई मैं फिलहाल गार्बेज ट्रक लेकर मैं भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बन के निकल गया हूँ, अगर मुझ पर कोई शक ना करे। और भाई ये रहा टोटा फ्रैंकलिन के हाथों में। और भाई फ्रैंकलिन है फुल स्पीड में, और जो भाई उसने टक्कर मारी है ना भाई, मोहल्ला क्लिनिक की दीवार तक टूट गई है, दूर दूर तक जाग गिरी। और दिल्ली पुलिस है पूरी मुस्तैद भाई। लेकिन अभी माइकल और फ्रैंकलिन ने ना फैसला किया है कि छोटी मोटी गोलीबारी नहीं करेंगे, गाड़ियाँ उड़ाएंगे दबा के बिल्कुल। भाई एक एक गोली में एक एक बॉम्ब में गाड़ियाँ उड़ रही है दूर दूर तक। एक 12 बॉम्ब बचे हुए हैं और हेलीकॉप्टर बिल्कुल पास में ही आ रहे हैं। इसको एक में गिरा हुआ देखा भाई, बिल्कुल चोट आ रही है हेलीकॉप्टर की। और एक एक सिंगल सिंगल बंदे के लिए ना हम लोग पूरा बॉम्ब का यूज़ कर रहे हैं, वो छोटा मोटा काम करते ही नहीं है। अगर तो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को कर देना लाइक, और भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी। तो लगाएंगे स्टिकी बॉम्ब बहुत सारे, इनको मुझे कहा गया था कि इस ट्रक को ना इस कदर बर्बाद करना है कि इसमें से कोई बचे ही ना, इसका चेसिस नंबर इंजन नंबर भी उड़ जाना चाहिए। तो पहले मैंने स्टिकी बॉम्ब लगाए, फिर मैंने लगाई है आग ट्रक के नीचे। और भाई मैं चार दिवाली के रॉकेट मार चुका, पूरे ट्रक के नीचे आग लगी। और ये है लास्ट अटैक मेरा भाई, पेट्रोल टैंक पे मैंने जैसे ही वार किया वो पूरा का पूरा ट्रक जल के खाक हो गया। और इस सो गाइस, आज होने वाला है पॉलिटिकल मसला। पूरी वीडियो देखना, बहुत मज़ेदार बनाई है और बहुत मेहनत लगी है, तो पूरी वीडियो देख कर जाना। तो भाई ट्रैवल जा रहा है अपनी सुपर कार के साथ अपने FBI वाले एजेंट के अड्डे पर। और भाई यहाँ पर है ना, मोदी जी ने बहुत ही तगड़ा मिशन को दिया है। तो भाई इतनी तगड़ी एंट्री के साथ ट्रैवल ने मारी है एंट्री। और भाई यहाँ पर फ्रैंकलिन और माइकल पहले से वेट कर रहे थे। इन लोगों ने पूरा प्लान एक्सप्लेन करा माइकल को, सारी बातें हो गई थी मोदी जी के साथ। उसने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी का ना एक ट्रक आने वाला है, इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड और कैश जो भी इलेक्शन में यूज होने वाला है वो, और जो पुराना वाला जो दारू एक के साथ एक फ्री की थी ना, उसमें जो कमीशन आया था वो सारा इस गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। तो गाइस ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज मोदी जी खुद इन्वॉल्व है। मोदी जी ने हमें बताया कि भाई ये चीजें करवानी है, भाई हम जा रहे हैं ये सारी चीजें करने। क्योंकि भाई देखो, कौन आदमी सही है कौन आदमी गलत है ये जानने का तो मुझे भी है, क्योंकि रहता तो मैं भी दिल्ली में ही हूँ। भाई मेरा CM कैसा है ये मेरे को पता होना चाहिए। तो मैं फिलहाल गार्बेज ट्रक लेकर मैं भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बन के निकल गया हूँ, अगर मुझ पर कोई शक ना करे। और भाई अब हम जो मिशन करने वाले हैं उसमें इतनी ज़्यादा गोलीबारी होने वाली है कि भाई आप लोगों ने सोची ना होगी। भाई फिलहाल ये वाला जो रोड है ना, यहाँ पर मुझे इस रोड को करना है ब्लॉक, क्योंकि वो गार्बेज ट्रक यहीं से जाने वाला है। ऊपर ड्राइवर खड़ा होकर चेक कर रहा है भाई वो ट्रक कब आने वाला है, ग्रीन कलर का ट्रक होने वाला है। भाई ये ट्रक है जिसके अंदर सारा का सारा पैसा और इलेक्ट्रोल बॉन्ड रखे हुए हैं और दारू की कमीशन भी। भाई ये जो ट्रक है ना, मेरे को ये आड़ा करके लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि उसको जाने की जगह ना मिले और उसको रुकना पड़े। ये जो गली दिख रही है ना पीछे, इस गली को छोड़कर इसके आगे वाले एरिए को मुझे ब्लॉक करना होगा। गली के अंदर ऑलरेडी माइकल फ्रैंकलिन खड़ा हुआ है अपना टो ट्रक लेकर, जिससे कि पहला हमला उस गाड़ी पर होने वाला है। तो भाई ट्रक हमने लगा दिया है बिल्कुल आड़ा, और यहाँ से वो कहीं नहीं जा पाएंगे। यहाँ नहीं, थोड़ा आगे करना पड़ेगा हमें। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर जैसे वो आकर रुकेगी ना, फिर फ्रैंकलिन का काम स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रैंकलिन मारेगा पहला हथौड़ा इस गर्म लोहे पर, उसके बाद हो जाएगा मेरा काम स्टार्ट। ये रहा टो ट्रक फ्रैंकलिन के हाथों में। और भाई फ्रैंकलिन है फुल स्पीड में, और जो भाई उसने टक्कर मारी है ना भाई, मोहल्ला क्लिनिक की दीवार तक टूट गई है, दूर दूर तक जा गिरी। और भाई फ्रैंकलिन ने अपना स्टिकी बॉम्ब निकाल दिया है। स्टिकी बॉम्ब लगाना था हमें गाड़ी के गेट पर, जब फ्रैंकलिन ने गलती से लगा दिया उसके नीचे भी। भाई गाड़ी पूरी बर्बाद हो जाने वाली है, तो उससे पहले कि उसमें कुछ हो हमें सारा का सारा कैश निकाल देना होगा, बिकॉज वो काम आएगा हमारी पार्टी के। भाई उसके अंदर दो पुलिस वाले थे, दोनों पुलिस वाले को बाकी लोग कह रहे थे छोड़ देते हैं, बट मैंने कहा भाई खत्म करो, बचाने का कोई वो नहीं है। और भाई पुलिस की आवाज़ आ रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस तो सपोर्ट करती नहीं केजरीवाल जी का, तो फिर यहाँ पर आ कैसे गई है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो दिल्ली पुलिस तो वैसे भी केंद्र के हाथों में ना, वो हमेशा कहते हैं दिल्ली पुलिस सपोर्ट नहीं करती, बट यहाँ पर पहुँच गई भाई टाइम पर, क्योंकि उनको गोलियों की और बम की आवाज़ आ गई है। पर दिल्ली पुलिस है पूरी मुस्तैद भाई। लेकिन अभी माइकल और फ्रैंकलिन ने ना फैसला किया है कि छोटी मोटी गोलीबारी नहीं करेंगे, गाड़ियाँ उड़ाएंगे दबा के बिल्कुल। भाई एक एक गोली में एक एक बॉम्ब में गाड़ियाँ उड़ रही है दूर दूर तक। और भाई एक डिस्क्लेमर मैं दे दूँ, इसका किसी भी रियल इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है,
ये फिक्शन है और पूरी तरह से इंजॉयमेंट के लिए बनाई गई है, तो कृपया करके इसको ज़्यादा सीरियस ना लें। कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि भाई आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है। भाई माइकल अपनी पूरी जान लगाकर यहाँ पे बन लाइक गन चला रहा है, बॉम्ब फेंक रहा है, और भाई मज़े ही मज़े आ रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे। बिकॉज ऐसा आपको वन ऑन वन लड़ना बहुत कम मिलता है पुलिस वालों के साथ। या तो आप 6-स्टार पुलिस एक्टिवेट कर लो फिर उनसे लड़ते रहो, पर वो बेतुकी होती है। यहाँ पर एक मिशन के तहत आप अपने तगड़े रैम्पेज में फंसे हुए हो, बट ऊपर एक बंदा खड़े होकर गोलियाँ मारा था उसको, तो सीधा मिसाइल मार के गिराया है भाई। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मिसाइल मार रहे हैं हम लोग। 11 बम बचे हुए, इसको बचा लेते हैं भाई। नॉर्मल गन से आते हैं फिलहाल, इसमें 200 गोलियाँ एक बार में आ जाती हैं। मशीन गन है बहुत तगड़ी भाई। जितने भी पुलिस वाले अभी माइकल को और फ्रैंकलिन को परेशान कर रहे थे उनको एक एक करके मारना कर दिया स्टार्ट। और भाई यहाँ पर बिल्कुल सही चल रहा सब कुछ भाई, मिशन बहुत ही जानदार है। दिक्कत ये है कि भाई कैश सारा हमने बरामद कर लिया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड बरामद कर लिया, सारे प्रूफ हमारे पास है, लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं या पता नहीं जो वॉलंटरी वाले जो होते हैं वो वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और भाई इन सब ने ना बिल्कुल कोशिश पूरी कर रखी अब यहाँ से निकलना हुआ है भाई। हेलीकॉप्टर भी है, कैन यू इमेजिन, हेलीकॉप्टर से हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है। उस वक्त ये जो ट्रक था ना इसके ऊपर नज़र थी पुलिस वालों की भी, भाई ये बहुत शांति और आराम से ना पहुँच जाना चाहिए भाई, लेकिन हम ऐसा करने देंगे नहीं, बिकॉज हमसे भी किसी बहुत बड़े आदमी ने रिक्वेस्ट की है और उसकी रिक्वेस्ट हम छोड़ सकते नहीं है। और भाई जो गलत है उसके खिलाफ सबूत तो पहुँचेंगे। सबूत कितने काम के कितने नहीं वो हमें नहीं पता, हमें पहुँचाने से सबूत, और हमने सबूत इकट्ठा कर लिए। अब बस हमें यहाँ से बच के निकलना है। सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे लिए जो बनी हुई है वो बनी हुई है स्नाइपर्स 3 अलग अलग बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं भाई। उन्होंने हमारा जीना आराम कर रखा है। एक तो रही ऊपर, एक मिल गया, बाकी कहाँ है भाई देख ही रहे, मैप में देखना पड़ेगा कि बिल्कुल ऊपर कोने पे होगा ना, उसको मारना ज़रूरी है भाई। एक तुम वहाँ पे दिख रहा है एक रेड डॉट, राइट हाँ ये रहा, बहुत बढ़िया। एक बंदा और है यार, एक और है जो गोलियाँ चला रहा कहीं ना कहीं से, पर मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि बहुत दूरी पे है यार वो, छुपे हुए एरिए में बिल्कुल भाई। आई थिंक वहाँ सामने की तरफ है, दिख गया मुझे। और नहीं यही रहा भाई, ये रहा बिल्कुल छुपा खड़ा तो दिख ही जाएगा भाई। अब फ्रैंकलिन के साथ हम लोग आ गए हैं मेन रैम्पेज में, और भाई यहाँ पर ना बहुत तगड़ी गोलीबारी चल रही है। मैं फिर से आ गया हूँ ट्रैवल के रूप में, बिकॉज यहाँ पर हेलीकॉप्टर की आवाज़ आने लग गई थी, और हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगा हमें। आई थिंक नीचे जा रहा हूँ, टेक आउट द हेलीकॉप्टर भाई। हेलीकॉप्टर आ गया और हेलीकॉप्टर में प्रॉब्लम करेगा, उससे पहले हेलीकॉप्टर निकाला रहे पर ये गाड़ी उड़ाने के बाद। भाई 12 बॉम्ब बचे हुए हैं और हेलीकॉप्टर बिल्कुल पास में ही आ रहे, इसको एक में गिराऊंगा मैं। देखा भाई बिल्कुल उड़ा रही हेलीकॉप्टर के, और एक एक सिंगल सिंगल बंदे के लिए ना हम लोग पूरा बॉम्ब का यूज़ कर रहे हैं, कुछ छोटा मोटा काम करते ही नहीं है। कैसे अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को कर देना लाइक, और भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी। और अगर आपके माइंड में कोई टिप्स वगैरह है ना कि यार मेरी लाइक पर्सनल आवाज़ ज़्यादा आती है या गेम की आवाज़ ज़्यादा आती है, कोई डिस्टर्बेंस होता है, तो कमेंट करके बता दिया करो यार, मैं कैसे चेंज कैसे करूँगा अगर नहीं बताओगे तो। ठीक है, तो भाई ये वाला मिशन है ना, यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा हो गया एक्चुअली। यार कोई पुलिस वाला बचा नहीं है, ये गार्बेज ट्रक जो है ना ये आइडेंटिफाई हो चुका है, और जितने भी पुलिस वाले यहाँ आए थे ना उन्होंने बाकी पुलिस को लाइक इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ये ट्रक जहाँ मिलेगा वहाँ पर इसको रोकना, इसकी चेकिंग करनी है, सब कुछ इसी के अंदर है भाई। इसको मैं अपने लाइक साथ ले जाकर अपनी पर्सनल गाड़ी में रख के ले जाऊँगा इसका सारा सामान, लेकिन इस ट्रक को मुझे करना पड़ेगा तबाह, बिल्कुल तबाह हो बर्बाद, बिल्कुल तहस नहस करना पड़ेगा इसको। तो मैं तहस नहस करने के लिए जो हमारा एग्जिट व्हीकल है ना, टेक अवे व्हीकल, मुझे जाना पड़ेगा वहाँ तक, और टेक अवे व्हीकल लेकर मैं जाऊँगा। टेक अवे व्हीकल लेने से पहले मुझे इस ट्रक को तबाह करना पड़ेगा, और भाई उसके बाद हमें जाना पड़ेगा उस मेन बंदे के पास जिसने हमें काम सौंपा था, वही हमें आगे के पैसे और आगे की चीज़ें देगा। उन्होंने कहा था वैसे पैसे तो यही वाले रख लेना इसमें 50% और बाकी एड वर्क कर देना, बट हम भाई अपनी फीस अलग से ही लेते हैं, क्या पता यहाँ पे कम हो हमारी फीस ज़्यादा हो, तो भाई ये चीज़ ये रिस्क हम लेते नहीं। तो भाई ये है वो लोकेशन जहाँ पर हमारा एग्जिट व्हीकल रखा हुआ है, लेकिन भाई यहाँ से रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आई थिंक फ्रंट से आना पड़ेगा। ये रहा भाई, ये है लोकेशन भाई, लोकेशन के बीच में मैंने खड़ा कर दिया। यहाँ पर इस ट्रक को करना पड़ेगा बर्बाद और पूरा तहस नहस।
इसके अंदर लगाएंगे स्टिकी बॉम्ब बहुत सारे, बिकॉज मुझे कहा गया था कि इस ट्रक को ना इस कदर बर्बाद करना है कि इसमें से कुछ बचे ही ना, इसका चेसिस नंबर और इंजन नंबर भी उड़ जाना चाहिए। तो पहले मैंने स्टिकी बॉम्ब लगाए, फिर मैंने लगाई है आग ट्रक के नीचे, और भाई मैं चार दिवाली के रॉकेट मार चुका, पूरे ट्रक के नीचे आग लगी, और ये है लास्ट अटैक मेरा। भाई पेट्रोल टैंक पे मैंने जैसे ही वार किया, वो पूरा का पूरा ट्रक जल के खाक हो गया है, और इस ट्रक के अंदर कुछ भी नहीं बचा है जो हमसे रिलेटेड हो, जिससे हमें पुलिस पकड़ सके। भाई ये है हमारा एग्जिट व्हीकल। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ पर भी एक बड़ा धमाका हुआ है, तो यहाँ पर पुलिस आ सकती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पुलिस ट्रक के अंदर कौन था और यहाँ से किस गाड़ी में कौन निकला। ये गाड़ी हम बहुत पहले यहाँ पे खड़ी कर चुके हैं, और ये गाड़ी हमारी है नहीं, तो इस गाड़ी को कोई नहीं पहचानता है। तो भाई इस मिशन को यहाँ से कंप्लीट करके हम लोग निकल गए हैं आगे, और मैंने माइकल को कॉल करके पूरा बता दिया है कि भाई यहाँ पर है ना, यहाँ का जो मेन मामला था वो पूरा हो गया है कंप्लीट, अब तू उस बंदे से मिल के जा, जाके मिल जिसने हमारा पूरा काम सेटअप कराया था, उससे जाकर पूरा का पूरा पैसे ले ले। तो माइकल कहता है यार वहाँ पर जाने का रिस्क ठीक नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पैसे रिकवर कर रहे हैं ना वो थे कुछ 6 करोड़, और हमारे जो फीस था वो 3 करोड़ थी, तो हमने यहाँ से पूरा 5 करोड़ ले लिया, और उनको बोला कि भाई 1 करोड़ हमें पैसे मिले हैं और फीस हमें चाहिए नहीं, हमने फीस इसमें से रख ली है। तो भाई 1 करोड़ रुपए तो हमने उनके अकाउंट में डाल दिए हैं, मतलब किसी बंदे के हाथों कैश भिजवा दिया है, और उसके जो डॉक्यूमेंट थे ना मेन सबूत और इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स वो हम लेकर आ गए हैं। भाई यहाँ पर आकर बंगला देख के मुझे लग तो नहीं रहा कि ये मोदी जी का बंगला हो सकता है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा है भाई। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचा हूँ ना बॉडीगार्ड का, भाई मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, यहाँ पर मुझे मिले हैं राहुल गांधी। भाई ये बंदा खिलाड़ी निकला, इसने दोनों के बीच में आकर अपना पूरा गेम सेटअप कर दिया, एंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिकॉज मैं कांग्रेस का सपोर्टर बिल्कुल नहीं हूँ, और भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई बात। लेकिन राहुल गांधी कहता भाई तुम पैसों से मतलब रखो, तुम पैसों वाले बंदे हो, तुम पैसों में मतलब रखो, अब मैं तुम्हें काम देता हूँ, तुम्हारे पास में 5 गाड़ियाँ, सुपर कार, सुपर एक्सपेंसिव कार इस सिटी में घूम रही है, तुम्हें उन गाड़ियों का चोरी करना है, कैसे भी करके तुम्हें उस गाड़ियों को रिकवर करना और मुझे देना है, मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ी कीमत दूंगा उसके लिए। भाई मुझे बात बहुत पसंद आती है, और मैं कहता हूँ भाई मैं तो सेटअप करने के लिए रेडी हूँ, तुम कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, मुझे नहीं पता, मुझे पैसों से मतलब होता है, भाई मुझे काम दो मैं कर दूंगा। तो गाइस वीडियो यहाँ पर करते हैं एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, भाई कमेंट करके जरूर बताना आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।